हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेलो विक्टिम। तो सो गाइस, आज की वीडियो में आपको कार्नेस के एक पॉपुलर टूल के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका यूज़ बड़े बड़े हैकिंग में यूज़ होता है एंड देन इसमें स्निफिंग भी कर सकते हैं। तो इस टूल का नाम है वायरशार्क। वायरशार्क कार्नेस में प्री इंस्टॉल आता है, आपको अलग से इंस्टॉल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। अगर आपको यूज़ करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मैं ज़रूर आपका हेल्प करने की कोशिश करूँगा। एंड वायरशार्क एक ओपन सोर्स टूल है, तो इतना टेंशन लेने कोई ज़रूरत है नहीं, आप इसका लीगली यूज़ कर सकते हैं। देन वायरशार्क का यूज पैकेट के रूप में भी किया जाता है, जैसे कि हम अपने पीसी पे स्नैपिंग कर रहे हैं, फिर किसी भी राउटर या फिर वाईफाई पे स्निपिंग कर रहे हैं, तो सामने वाला विक्टिम क्या यूज़ कर रहा है अपने ब्राउजर पे एंड कौन सा पासवर्ड लॉगिन कर रहा है, एंड इस वायरशार्क की मदद से आप बड़े बड़े हैकिंग भी कर सकते हैं। तो चलो गाइस, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ किस तरह से कर सकते हैं हैकिंग एंड देन इस आपको लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन भी बताऊँगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, इसके बिल्कुल मत करना, लास्ट का पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी होगा। एंड देन चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सो गाइस, आ चुका मैं अपने लैपटॉप के डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो यहाँ पर मैं अपना टर्मिनल ओपन कर आईपी कॉन्फिग कमांड लगाऊंगा एंड चेक करता हूँ मेरा पीसी किससे कनेक्टेड है। तो यहाँ यूएसबी से कनेक्टेड है मेरा इंटरनेट कनेक्शन, तो इसलिए फिर मुझे यूएसबी इंटरनेट से कनेक्शन चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं टर्मिनल को ओपन करके वायरशार्क को ओपन कर लेता हूँ। साइड में भी वायरशार्क का ऑप्शन, आप वहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं, बट मैं इसे टर्मिनल से कर रहा हूँ, आप भी टर्मिनल से करना। तो वायरशार्क सिंपली लिख के आपको यहाँ पर इंटर प्रेस कर देना है, उसके बाद वायरशार्क का जीयूआई मोड ओपन हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं आपको बहुत सारे कनेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, यूएसबी जीरो से, एनी से, लोकल बैक से एंड वायरलेस जीरो, इथरनेट से, ब्लूटूथ से, बहुत सारे ऑप्शन आप जो भी चाहें अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा ये यूएसबी जीरो से कनेक्टेड है पीसी, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा। और ऊपर में देख सकते हैं आपको शार्क के पूछ का निशान आ रहा है, ये स्निपिंग का ऑप्शन है, तो स्निपिंग आप उसको दबा देंगे तो आपकी स्निपिंग स्टार्ट हो जाएगा। अभी मेरे पर यहाँ पर कोई भी पैकेज रिसीव नहीं हो रहा है, जैसे मैं इंटरनेट एक्सेस करूँगा मुझे पैकेज रिसीव में चालू होते हैं। ये अटैक मैं अपने पीसी पे कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको वायरलेस लैन में भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैं जैसे ही रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज को, तो मुझे पैकेज रिसीव होना चालू हो चुका है। तो इसी तरह इसमें आपके राउटर में कोई भी ब्राउज एक्सेस करेगा, कुछ भी एक्सेस करेगा, इसी तरह आपको पैकेज स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। आई ना उसके पीसी का आप हैक भी कर सकते हैं एंड बहुत सारे हैकिंग कर सकते हैं। तो देखा आपने, मैंने जैसे रिफ्रेश किया, इतने सारे मुझे पैकेज आना चालू हो गया। अब ऊपर मैं एक फ़िल्टर लगाऊंगा आपको एचटीपी का। अब मैं एक एचटीपी में अपने वेबसाइट का यूज़र नेम एंड पासवर्ड लॉगिन करूँगा एंड वो सारे पैकेज भी मुझे मिल जाएंगे। किस तरह ये हैकिंग होगा मैं अच्छे में बताता हूँ। तो ऊपर मैं एचटीपी का मैंने फ़िल्टर लगा दिया है एंड चला आता हूँ इस वेबसाइट पर, लॉगिन वाला वेबसाइट है मेरा एक, एंड यहाँ पर मैं कुछ यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करने वाला हूँ। तो ये पासवर्ड यूज़र नेम देख सकते हैं 111 है, आप याद करना पूरा 111 है, एंड पासवर्ड मैं यहाँ डालने वाला हूँ 2222। तो यूज़र नेम पासवर्ड आपको याद हो गया 1 एंड 2। एंड लॉगिन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा मुझे पैकेज रिसीव होना चालू हो जाएंगे एचटीपीपी साइट्स के। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं एचटीपीपी साइट के पूरे पैकेज मुझे रीड होना चालू हो चुके हैं, कैप्चर होना स्टार्ट कर दिया है इसने वायरशार्क ने, एंड पूरे पैकेज कैप्चर हो चुके हैं। तो यहाँ मैं फर्स्ट वाले लिंक पर चलता हूँ, जो कि मेरा लॉगिन पेज है, जो कि मैंने ब्राउजर पर लॉगिन पेज पर मैंने जो लॉगिन किया था उसी पेज को मुझे खोजा है। तो फर्स्ट वाले में ही लॉगिन पेज है मेरा एंड देख सकते हैं नीचे में एचटीएमएल फ्रेम का ऑप्शन आ रहा है, अब इसमें ही मेरा पासवर्ड मिलेगा। तो देख सकते हैं मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड खोजना है इसके बीच में। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूज़र नेम लिखा हुआ है एंड देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो पासवर्ड इंटर किया था 111, ये पूरा पासवर्ड 111 है एंड देन पासवर्ड नीचे में लिखा भी है एंड नीचे में देख सकते हैं पासवर्ड है एंड ऊपर में भी आपको डिस्प्ले हो चुका है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक कितना पावरफुल टूल है। अगर आप इसका यूज़ अपने, मैंने तो अपने पीसी पे किया है आपको एग्जांपल देने के लिए, बट अगर आपने इसका यूज़ राउटर पर करेंगे, वायरलेस स्टार्टिंग में यूएसबी जो जगह वायरलेस सेलेक्ट करेंगे एंड उसमें जो जो पीसी है कंप्यूटर कनेक्ट है वो क्या क्या इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन सा पेज लॉगिन कर रहे हैं, वो सब डिटेल आपको मिल जाएगा। या फिर आप अपने वाईफाई को हॉटस्पॉट कौन को छोड़ दो एंड इसमें स्निफिंग अटैक कर दो, इसी तरह का एम जो जो उसको कनेक्ट करेगा, जो भी यूज़र नेम लॉगिन करेगा, सभी आपको इसी तरह मिल जाएंगे। तो टेंशन लेने कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम इजी प्रोसेस है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बिल्कुल भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड देन मैं कोई एक इन्फॉर्मेशन बताने वाला था, स्टार्टिंग में आपको वीडियो में बताया था। तो देखो गाइस, आपको पता होगा कि कई बार लोग बोलते हैं कि कभी भी पब्लिक वाईफाई को यूज़ नहीं करना चाहिए, वो क्यों बोलते हैं, एकदम राइट है। सोचो देखो, अगर कोई भी बंदा इसी तरह आपको पब्लिक वाईफाई दे रहा है एंड देन उसमें स्निफिंग अटैक भी हो रहा है, तो आप तो उसका इंटरनेट एक्सेस तो कर लोगे फ्री में, आपको डाटा मिल जाएगा, बट उस स्निफिंग से वो आप, अगर उस टाइम आपने अपना इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी आईडी लॉगिन किया है, वो सारी स्निफिंग से उसको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएंगे एंड आपको आईडी को हैक कर सकता है।
सोच सकते हो पब्लिक वाईफाई कभी भी यूज़ में को इसी के तरह स्निचिंग अटैक वायरलेस होते हैं, तो बिल्कुल भी केयरफुल रहो। एंड देन आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक जरूर करना एंड कमेंट बताना आपको वीडियो कैसा लगा। एंड आपको ऐसी ही तरीके हैकिंग की वीडियो आपको मिलते रहेंगे हैकिंग से रिलेटेड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।